बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के लिए एक अपनी अलग ही राय बना लेते हैं, जब हम अलग राय बना लेते हैं तो उसके लिए बुरा भला कहते हैं और भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हो सकता है कि सामने वाले की भी कोई मजबूरी हो जिसके कारण कि वो जो है हमें उस टाइम पे हमारे काम ना आ रहा हो। एक बार की बात है कि एक चिड़िया होती है और वो चिड़िया जो है वो एक पेड़ के पास जाती है, कहती है कि आने वाले टाइम में आंधी और तूफान आने वाला है, तो प्लीज मुझे अपने पेड़ के ऊपर आश्रय दे दे ताकि मैं एक घोंसला बना सकूं ताकि मेरे बच्चे और मैं सुरक्षित रह सकूं। लेकिन वो पेड़ उसे मना कर देता है और साफ इनकार कर देता है। तभी वो निराश होकर दूसरे पेड़ के पास जाती है और कहती है कि मुझे ऐसे ऐसे आने वाले टाइम में बारिश होने वाली है और तूफान आने वाला है, तो प्लीज मुझे यहां पर एक घोंसला बना लेने दे ताकि मैं अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रह सकूं। तो दूसरा वाला पेड़ उसे कहता है कि ठीक है, आप यहां पर अपना घोंसला बना लीजिए और रह लीजिए। तभी कुछ दिनों बाद क्या है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, चिड़िया जो है वो अपने घोंसले में उन बच्चों के साथ बहुत ही सुरक्षित रहती है। तभी वो देखती है कि जिस पेड़ ने उसे मना किया था वो पेड़ जो है वो जड़ से ही उखड़कर पानी में बहने लगता है, जिसके कारण कि वो एकदम से गुस्से में बोलती है, देखा ये तेरे कर्मों की सजा है, क्योंकि तूने मुझे अपने मतलब अपने ऊपर घोंसला नहीं बनाने दिया था, जिसके कारण क्या है आज तेरी ये दुर्दशा हुई है। लेकिन वो कहता है, क्षमा करना बहन, उस समय मैंने आपसे ऐसे कहा, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी कि मुझे पता था कि मुझे